ड्रोन चल रहा था, नीरव बांसुरी बजा रहा था। 32 दिन हो गए देश के पहलवानों को जंतर मंतर पर धरना देते हुए, लेकिन ना जाने कौन सी रुई देश के प्रधानमंत्री के कान में डली हुई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कान पर जू ही नहीं रेंगती है। दूसरा सबसे बड़ा सवाल, मणिपुर जल रहा है लेकिन प्रधानमंत्री मणिपुर के ऊपर भी नहीं बोल रहे हैं। मणिपुर को जलता हुआ छोड़ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जापान के दौरे की ओर रवाना हो जाते हैं। देश की पहलवान बेटियों को जंतर मंतर पर बैठा छोड़ देश के प्रधानमंत्री जी जापान की ओर रवाना हो जाते हैं। जिस दिन देश की बेटियां इंडिया गेट पर बैठी होती हैं, इंडिया गेट पर कैंडल मार्च कर रही होती हैं, उस दिन हमारे देश के प्रधानमंत्री जी देश में बेटियों को छोड़कर विदेश चले जाते हैं। सबसे पहला सवाल आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि क्या 32 दिन हो गए देश की बेटियों को बैठे हुए, क्या इंसाफ में इतनी देरी होगी? क्या आपके घर की बेटियां अगर होती तो क्या आप उनको भी सपोर्ट और समर्थन करने के लिए नहीं आते? दूसरा सबसे बड़ा सवाल, नई पार्लियामेंट को लेकर देश में अनेक सवाल खड़े हो रहे हैं। कई विपक्ष के नेताओं ने नई पार्लियामेंट के उद्घाटन के अंदर जाने से बायकॉट भी कर दिया है, और अब इसको लेकर एक बड़ा मुद्दा भी खड़ा हो गया है विपक्ष की ओर से। मैं आपको बता दूं कि भारत का, किसी भारत देश का जो प्रथम नागरिक होता है वो होता है राष्ट्रपति, लेकिन एक व्यक्ति है, एक एडवोकेट है, जिन्होंने अब सुप्रीम कोर्ट में नई पार्लियामेंट को लेकर एक याचिका भी दायर कर दी है। क्या है याचिका में पूरा खतरा और क्या है याचिका का सत्य, ये भी आपको बताएंगे। एक एडवोकेट है जिनका नाम है CR जया सुकीन, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक याचिका दायर की है, और याचिका दायर करते हुए उन्होंने कहा है कि नई संसद के उद्घाटन में राष्ट्रपति को क्यों नहीं बुलाया गया। आपको बता दूं कि जो एडवोकेट हैं उन्होंने याचिका के अंदर क्या कहा है, याचिका में उन्होंने कहा है कि आर्टिकल 79, वो कहता है कि पार्लियामेंट का मतलब है राष्ट्रपति और दो सदनों से होता है, राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होते हैं, उन्हीं के बुलावे पर संसद के दोनों सदन काम करना शुरू करते हैं, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री और सरकार के तमाम मंत्रियों की नियुक्ति का दायित्व भी जो है वो राष्ट्रपति के हाथ में ही होता है। तमाम जितने भी कार्य होते हैं या कोई भी बिल अगर वो पार्लियामेंट में पास होता है तो बिना राष्ट्रपति के वो कानून में तब्दील नहीं हो सकता। इसी को लेकर कोर्ट के अंदर, एक सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक याचिका लगाई गई है कि क्यों पार्लियामेंट के उद्घाटन का काम देश के प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, राष्ट्रपति क्यों नहीं कर रहे हैं। अब इसको लेकर कई लोग और भी सवाल उठा रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि भाजपा सरकार लगातार, हालांकि भाजपा सरकार कर ही ऐसा रही है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो लगातार देश के कानून और संविधान की धज्जियां उड़ाने में लगी है। आखिर क्यों 28 तारीख का दिन, क्यों 2 अक्टूबर का दिन नहीं, और क्यों 14 अप्रैल का दिन नहीं? 2 अक्टूबर भी नजदीक थी, देश के प्रधानमंत्री चाहते तो गांधी जी के दिन यानी 2 अक्टूबर के दिन पर भी वह पार्लियामेंट का उद्घाटन कर सकते थे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 28 तारीख का ही दिन क्यों चुना? आप लोगों को क्या लगता है कि क्यों आखिर देश के प्रधानमंत्री जी ने 28 तारीख का दिन चुना है? मैं आपको बताता हूं उसके पीछे का कारण। देश के प्रधानमंत्री जी 28 तारीख का एक और दिन है जिस दिन वीर सावरकर का जन्मदिन भी है। वीर सावरकर, वो वीर सावरकर जो भारतीय जनता पार्टी की नजर में वीर सावरकर है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई ऐसे स्वतंत्रता सेनानी नहीं है जो वीर भगत सिंह जैसे हों, राजगुरु सुखदेव जैसे हों, अशफाक उल्ला खां जैसे हों, इसलिए भारतीय जनता पार्टी वीर सावरकर के ही जन्मदिवस को एक बड़े रूप में तब्दील करना जा रही है। क्यों महात्मा गांधी जी के 2 अक्टूबर के जन्मदिन के अवसर पर, महात्मा गांधी के दिन पर पार्लियामेंट का उद्घाटन नहीं किया गया? क्यों 14 अप्रैल जो कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती है उनके दिन पर नहीं किया गया? और दूसरी सबसे बड़ी बात, क्यों लोकसभा स्पीकर के द्वारा पार्लियामेंट का उद्घाटन नहीं हो रहा, क्यों राष्ट्रपति के द्वारा पार्लियामेंट का उद्घाटन नहीं हो रहा? यह बड़ा सवाल खड़ा होता है इस देश के लिए। क्या देश के प्रधानमंत्री इस देश के अंदर डिक्टेटरशिप यानी तानाशाही स्थापित करना चाहते हैं? क्या इस देश के अंदर कहीं ना कहीं लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है, लोगों से बोलने की आजादी यानी राइट टू स्पीच की आजादी, राइट टू फ्रीडम की आजादी छीन ली जा रही है? क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि देश के प्रधानमंत्री से सवाल करना, आज ऐसा होता है कि प्रधानमंत्री से सवाल ना करके हम लोग देश से सवाल कर रहे हैं? आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? हम लोगों का सवाल देश के प्रधानमंत्री से होता है लेकिन लोग कहते हैं कि आप देश से सवाल कर रहे हैं। भैया देश से कोई सवाल नहीं कर रहा है। अगर सवाल आप अडानी से करते हैं तो लोग कहते हैं कि आप देश से सवाल कर रहे हैं। अडानी से या मोदी से देश नहीं है, ये देश 133 करोड़ जनता से, इस देश के जवान, इस देश के किसान, इस देश के पहलवानों से है, क्योंकि देश देश के नागरिकों से बनता है। जब देश जल रहा होता है तो हमारे देश के प्रधानमंत्री या तो चुनावी यात्रा में बिजी रहते हैं या फिर प्रधानमंत्री जी विदेश के दौरे पर बिजी रहते हैं। मणिपुर जो कि एक भारत का हिस्सा है वो जल रहा था और उस वक्त देश के प्रधानमंत्री जी भारत देश में नहीं थे, ना तो वो ट्वीट करने का काम करते हैं और ना ही बोलने का काम करते हैं। आप सभी को पता है कि दिल्ली की जो पुलिस है वो अंडर है देश के गृह मंत्री यानी अमित शाह जी के, और उन्हीं के होते हुए आपको पता है कि किस प्रकार से जो देश की बेटियां यहां पर जंतर मंतर पे 32 दिनों से धरना दे रही हैं उनको अपनी FIR दर्ज कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट का सहारा लेना पड़ा।
आप लोगों को क्या लगता है और आप लोगों की क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और आपको क्या लगता है कि नई पार्लियामेंट यानी संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति के हाथों होना चाहिए या फिर देश के प्रधानमंत्री के हाथों, आप लोगों की क्या राय है वो जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।